हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है दीप्ति शर्मा और मैं बिलोंग करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। मैं देहरादून में रहती हूँ। तो वीडियो का टाइटल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। एंड जी हाँ, मैंने अपने चैनल को मात्र 3 मंथ्स के अंदर मोनेटाइज कर लिया। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर मैंने अपने चैनल को फुल मोनो कर लिया और साथ के साथ मेरा पेमेंट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो क्योंकि मुझे YouTube पर बहुत जल्दी जो है मोनेटाइजेशन का समझ आ गया था एंड बहुत सारी चीजें मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी एंड जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाती हूँ, ताकि अगर आप लोग भी YouTube पर स्ट्रगल कर रहे हैं और आपका चैनल मोनो नहीं हो पा रहा है, मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, तो शायद ये वीडियो देखकर आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए एंड ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है एंड ये आपके बहुत काम आएंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो उन लोगों के बहुत काम आने वाली है जो YouTube पर 1 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो पाया है। कारण कोई भी हो सकता है, या तो उनके पास नॉलेज की कमी है या फिर उनको अच्छे से वीडियो या YouTube के बारे में सारी जानकारी नहीं है एंड बिना किसी पूरी जानकारी के वो YouTube पर आ तो गए हैं, वीडियोस बना तो रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मोनेटाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं, उनको इस चीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। इसका एक मेन इंपॉर्टेंट कारण ये भी होता है कि कई बार हम लोग किसी की वीडियो देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, अब तो इतने सारे यूट्यूब पर लोग वीडियोस बना रहे हैं, टेक चैनल वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी उसे स्किप करने लग जाते हैं, हम वीडियो को कम्प्लीट सुनते नहीं है और जिसकी वजह से हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चलती। तो ये सबसे बड़ा कारण है और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों के बहुत काम आए एंड जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत टाइम से, चैनल मोनो नहीं हो पा रहा है, तो उनके तो ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो प्लीज आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि मैंने ये चैनल तो मेरा बहुत टाइम से बना हुआ था बट वीडियो अपलोड करना मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया, यही दिसंबर 2023, एंड मैंने शॉर्ट्स डालने ही शुरू करे शुरू में। तो जब मैंने YouTube पे काम करना स्टार्ट किया, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था उस वक्त। मुझे लगता है अधिकतर यूट्यूबर तो ऐसे ही होते हैं, यानी कि उनकी सोच ही होती है कि जब वो YouTube पे वीडियो डालना स्टार्ट करते हैं उस वक्त उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि क्या मोनेटाइजेशन पॉलिसी, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे माइंड में जो पहला थॉट आता है ना वो यही आता है, अरे यार कहाँ, यार नहीं होगा, कहाँ होगा, इससे कहाँ पैसे मिलेंगे, राइट? ऐसे तो ऐसी ही चीज होता तो फिर कोई भी कर सकता है। तो ये वाली चीजें हम खुद ही सोचते हैं एंड खुद ही हम इन चीजों के बारे में इतना सोच लेते हैं कि फिर हमें खुद ही कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो सेम मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने दिसंबर में वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया, चैनल तो मेरा पुराना था, और मैंने शॉर्ट्स अपलोड करने स्टार्ट करे। शॉर्ट्स मैंने इसलिए भी अपलोड करे क्योंकि मुझे मतलब शॉर्ट्स बनाने बहुत अच्छे लगते थे एंड मैं कहीं भी जा रही हूँ तो ऐसे गानों पे वीडियोस बनाना या फिर थोड़ा कॉमेडी करना या फिर थोड़ा बहुत डांस या लिपसिंग वगैरह करना मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने शॉर्ट्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे आई थिंक 20-30 सब्सक्राइबर्स थे, मैंने अपने चैनल को बहुत सारे लोगों को भी नहीं बताया था। तो उस टाइम पर मैंने एक वीडियो डाला एंड वो मेरे बालों से रिलेटेड कोई वीडियो था जिसमें मैं कोई हेयर स्टाइल बता रही थी या कोई हेयर केयर टिप बता रही थी, और वो वीडियो मेरा वायरल चला गया और उसपे मेरे मोर देन 6,000 व्यूज आ गए। तो जैसे वो वीडियो वायरल गया तो मेरे इमीडिएट जो है 200 सब्सक्राइबर हो गए और वो मेरे लिए बिल्कुल एक ऐसा मोमेंट था, मैंने कहा अरे वाह यार, इतनी आसानी से, मतलब ये कैसे हो गया, मेरा जो है वीडियो इतनी जल्दी वायरल कैसे हो गया। तो तब मुझे थोड़ा लगा कि यार मुझे इस पे काम करना चाहिए एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा YouTube के टर्म्स कंडीशन के बारे में पढ़ा एंड उसकी पॉलिसीज को अच्छे से समझा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि चैनल मोनेटाइजेशन कब होता है एंड कब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप YouTube पर आए हैं एंड सीरियसली अगर आप चाहते हो कि आपको YouTube से इनकम जनरेट हो एंड अगर आप सीरियस हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने माइंड से थॉट बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। आपको एकदम पॉजिटिवली जो है अपने काम की तरफ अपने काम से प्यार करना चाहिए, सबसे पहले तो यही होता है। तो मोनेटाइजेशन के लिए आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और साथ के साथ आपका 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट होना चाहिए। 4000 वॉच आवर्स मतलब 4000 घंटे कंप्लीट होने चाहिए, जो कि आपको YT स्टूडियो ऐप में शो करता है। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरा उस वक्त से ही ये टारगेट डिसाइडेड हो चुका था कि मुझे किसी भी कीमत पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं एंड साथ के साथ मुझे 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने हैं और मुझे मेरा चैनल मोनो कराना है। ये मैंने अपने माइंड में सोच लिया था।
फिर जनवरी में जो है हमारे घर पे कुछ फंक्शन था तो हम उसमें बिजी हो गए, एंड फिर फरवरी 22 से मैंने अपने यूट्यूब पर लाइव करना स्टार्ट किया। तो लाइव करने से ही मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं, एंड यस मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ है वो लाइव के बदौलत ही हुआ है। मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई एज सच, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं, लेकिन लाइव से मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया। एंड जब मैंने लाइव आना स्टार्ट करा तो मैं बहुत सारे ऑडियंस से मिली, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया, मैंने खुद बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट किया, एंड धीरे 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 मेरे चैनल की ग्रोथ होने लग गई। और ये जो चीजें हैं ये इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो अगर आप YouTube पर हैं एंड बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और आपका चैनल मोनो नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मोर देन 1 ईयर हो चुका है, या हो सकता है आपको 1 साल या 2 साल से भी ज्यादा हो गया हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे अपनी YouTube जर्नी में कि 2 साल से भी ज्यादा हो चुके थे एंड चैनल मोनो नहीं हो पाया था। तो अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मोर देन 1 ईयर या 2 ईयर हो चुका है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप चैनल पर लाइव आना स्टार्ट कर दीजिए। लाइव आप किसी भी टॉपिक पर आ सकते हैं एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसके लिए लाइव आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं तो आप लाइव कुकिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे चैनल ऐसे हैं जो लाइव कुकिंग करते हैं और कितनी जल्दी उनका चैनल ग्रो कर जाता है। लाइव कुकिंग में आप कोई भी डिश जो है उसका थंबनेल लगा सकते हैं, टाइटल में उसके बारे में लिख सकते हैं एंड लाइव कुकिंग दिखा सकते हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो लाइव कुकिंग करते हैं, लाइव केक बेक करते हैं, बहुत उनका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। तो अगर आप कुकिंग चैनल वाले हैं तो आप लाइव करना शुरू कर दीजिए एंड लाइव कुकिंग शुरू कर दीजिए। आप यकीन नहीं करोगे, लाइव कुकिंग में एक ही टाइम पर आपको मोर देन 10,000 पीपल भी देखते हैं। एंड ये मेरे साथ भी हुआ है, आई मीन मेरी एक फ्रेंड है उनके साथ ऐसा हुआ है, उसका कुकिंग का चैनल है। सेकेंड, अगर आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं तो आप सिंगिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा अगर आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं, आपको मेकअप के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप लाइव मेकअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइव लाइव में मतलब आपको क्या करना है। एंड एक्चुअली फर्स्ट थॉट हमारे माइंड में आता है कि हम लाइव में क्या करेंगे, हम लाइव में क्या बोलेंगे। तो आपके अंदर जो टैलेंट है, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है जो लाइव बच्चों को टीच करते हैं, तो आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हो। इतनी सारी वैकेंसीज डेली आती रहती हैं, कोई भी चीज हो, चाहे कोई न्यूज हो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप एक अच्छी सिंगर हैं, या फिर आप कुकिंग चैनल है, या फिर अगर आप जर्नलिज्म पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखते हैं, या फिर आपको कोई न्यूज बोलनी है, कोई भी चीज, बहुत सारे कंटेंट है गाइस। बस आपको ये देखना है कि आप किस चीज में इंटेलिजेंट हैं और बस उसके लिए आप लाइव करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आप यकीन मानिए आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो मैंने जब लाइव करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मेरे पास ऐसा कोई सच टॉपिक नहीं था, तो उस वक्त तो हमारे फैमिली मेंबर्स ही हम लोगों को लाइव में जो है आके मिलते थे और वही हम लोगों को टाइम देते थे। एंड धीरे 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 जो है फरवरी 22 को मैंने फर्स्ट लाइव की थी, एंड मेरा जो है मई 31 से पहले पहले ही मेरा चैनल फुल मोनो हो गया था। मेरे 4,000 आर्ट्स कंप्लीट हो चुके थे एंड सारे के सारे आर्ट्स मुझे लाइव से ही मिले थे, क्योंकि जब मैं लाइव कर रही थी तो मैं ज्यादा वीडियोस नहीं बना पाती थी एंड मेरा सारा फोकस लाइव में ही होता था। तो यही चीज मैं आपको भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, अगर आप उससे रिलेटेड लाइव करते हैं तो आप और भी जल्दी ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने 20 दिन के अंदर अपना चैनल मोनो किया है सिर्फ लाइव करने से। तो आप एक अच्छा कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप बहुत अच्छी मोटिवेशन वाली बातें कर सकते हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा कंटेंट है गाइस। आप किसी भी चीज के ऊपर बात कर सकते हैं एंड ये चीज आपको सोचनी है, आई मीन ये, क्योंकि आप यूट्यूब पर आए हैं, आपको कुछ करना है, आपको यहाँ से रिजल्ट चाहिए, तो वो आप ही सोचेंगे, खुद को भी मोटिवेट आप ही करेंगे, आपको कोई और मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम बहुत सारे लाइव ऐसे भी देखते हैं जिसको देख के हमें ऐसा लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं, और अगर हम लाइव करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो आपको अपने कंटेंट के बारे में सोचना है और लोगों के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने टैलेंट के बारे में सोचना है। जिस चीज में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप उस चीज के ऊपर अपना कंटेंट तैयार कीजिए एंड फिर आप लाइव में भी उस तरीके से बात कर सकते हैं। जब हम लोग लाइव करते तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की ऑडियंस जुड़ती है, तो उस तरीके से भी हमारा कंटेंट लाइव में जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लाइक कि हम उस तरीके से अपने कंटेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस पे काम कर सकते हैं। और लाइव आने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, आपका चैनल जल्दी ग्रो करता है, बहुत ज्यादा आपके चैनल को रीच मिलती है, बहुत मास ऑडियंस आपके साथ जुड़ती है। जब मैंने लाइव करना स्टार्ट किया था मेरे आई थिंक 600 या 700 सब्सक्राइबर्स थे एंड आज मेरे चैनल पर मोर देन 3,000 सब्सक्राइबर हैं एंड ये सब लाइव से ही हुए हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लाइव करके
अपने चैनल को मोनो भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आप अच्छा से कंटेंट तैयार कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप YouTube पर हैं तो आपके फोन में एक YT स्टूडियो ऐप भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि YouTube ऐप से काम नहीं चलेगा। YT स्टूडियो ऐप में जो है आपको अपने YouTube की सारे के सारे एनालिटिक्स दिख जाते हैं। तो अगर आप YT स्टूडियो ऐप अगर आपके पास नहीं है तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। एंड वहां पर एक सेक्शन आता है लास्ट में, अर्न सेक्शन, जहां पे डॉलर का सिंबल बना होता है, तो वहां पर आपको पता चल जाता है कि हमारे कितना वॉच आवर्स कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो था मेरा YouTube का जर्नी, जो मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो बता देना चाहती हूँ कि कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी मैं आपको बताऊं ताकि आपसे वो गलती ना हो। एंड आप, मैंने तो अभी इतना ग्रोथ नहीं मुझे मिला है, लेकिन अगर आप उन चीजों को अवॉइड करेंगे जो चीजें मैंने करी, तो हो सकता है आप यहां तक चले जाएं। तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि जब मैंने लाइव करना स्टार्ट किया गाइस, तो उस वक्त तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मेरे चैनल का कंटेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कुकिंग चैनल है तो उनको पता है कि उनका कुकिंग का चैनल है, तो अगर वो कुकिंग से रिलेटेड लाइव करेंगे तो सोचो उनको कितना ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। तो क्योंकि मेरे पास कॉन्टेंट नहीं था, मैंने नहीं सोचा था मैं किस चीज के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल चलाऊंगी, तो विदाउट कॉन्टेंट मैंने लाइव करी। हालांकि मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, लेकिन शायद अगर मेरा एक फिक्स कॉन्टेंट होता तो मैं और भी ज्यादा वायरल होती और आज मेरे मोर देन 10-20,000 सब्सक्राइबर्स होते। सेकेंड टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि जब आप लाइव कर रहे हो तो आपको वीडियोज भी अपलोड करनी है। बट जब हम लोग लाइव करते तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बट आपको कोशिश करनी है कि आप हफ्ते में 3 वीडियो जरूर अल्टरनेटिव डेज पे अपलोड करें, ताकि आप ऑडियंस आपके कॉन्टेंट से जुड़ी रहे। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि जब मैं लाइव करती थी, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करती थी, कोई कंटेंट वीडियो अपलोड नहीं करती थी। एंड ये एक बहुत बड़ी कमी है मेरे चैनल की, एंड अब मैं इस पे काम करूंगी। लेकिन ये मैं आपको टिप देना चाहती हूँ कि आप इस चीज को अवॉइड करिएगा। जब आप लाइव करें तो आप अपने कंटेंट पे भी फोकस करें, एंड कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस अल्टरनेटिव डेज पे जरूर अपलोड करें, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। एंड थर्ड टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि अगर आप लाइव करते हैं तो उस वक्त भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो चैनल है आपको लॉन्ग वीडियो से आगे लेकर जाना है या शॉर्ट वीडियो से आगे लेकर जाना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको लाइव करने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने लाइव पर भी अच्छे से फोकस कर सके एंड अपने चैनल पर, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा मोटिव है वो चैनल को मोनेटाइज कराने के साथ साथ ग्रोथ कराना भी है, और ऐसी ऑडियंस को कलेक्ट करना है जो हमारी वीडियो देखे, जिनको हमारे वीडियो में या हमारे कॉन्टेंट में इंटरेस्ट आए। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखना। और लाइव कैसे करते हैं और लाइव किस तरीके से लाइव की सेटिंग करनी चाहिए, लाइव के लिए आपके आपके मतलब कब आप लाइव के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में यही बताना चाहती थी कि यस, लाइव करने से भी आप चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, मैंने किया है एंड बहुत जल्दी मेरा पेमेंट भी आने वाला है। सो बिल्कुल आप भी कर सकते हो, तो इसलिए बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो। एंड अगर आपको यूट्यूब में आ ही गए हो तो आप एक चीज आप हमेशा याद ध्यान रखें कि अगर आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप यूट्यूब पर सीरियस हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आप पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करा कीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करें। और अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है एंड आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो आप जरूर लाइव करिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि लाइव के लिए कैसे कैसे सेटिंग करनी है, क्या क्या करना है जिससे आपको ज्यादा ज्यादा रीच मिले एंड और ज्यादा आपको बेनिफिट हो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके ये थोड़ा भी काम आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन या कमेंट्स आप जरूर देना, मैं उन पर भी काम करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।